राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आयोजित हितग्राही महासम्मेलन को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता राशि वितरण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उपस्थित जनसमूह का दृश्य देखकर यह जनसभा नहीं जन सैलाब लग रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सिंगरौली में 248 करोड़ की लागत का मेडिकल कॉलेज भी जल्द बनेगा। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे आमंत्रित किया कि हम गरीबों के कल्याण में कुछ कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा और उस कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए। इसलिए आज आप सबके बीच में यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन आज जो यह दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूँ यह जनसभा नहीं है बल्कि जन सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है, गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा, किस हिंदुस्तान में? वह संकल्प ले 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे, एक व्यक्ति भी एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए, एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी। इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसे लागू कर दिया, यदि कोई बीमार हो जाता है 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज मुझे 2008 याद आ रहा है, जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के मैं सिंगरौली आया था तो सिंगरौली वालों ने मुझे कहा था कि सिंगरौली के साथ कभी न्याय नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसलिए सिंगरौली को जिला बनाओ। और आपने जब मांग की थी तो मैंने कहा था मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिंगरौली जिला बनेगा, और तब से सिंगरौली की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आज मुझे बताना, सिंगरौली में विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? आज जो कुछ सिंगरौली में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी जब आपने कहा पिछले दिनों क्या मेडिकल कॉलेज और चाहिए, तो अब 248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज एजेंसी दी है, निर्माण का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा, अब मेडिकल कॉलेज अपनी सिंगरौली में होगा। और मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज के कारण आपको इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंभीर बीमारियों के इलाज भी सभी सिंगरौली की धरती पर संपन्न होंगे। एक बात और थी, हमारे इतनी खदानें, इतनी माइनिंग, लेकिन काम जब हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को दो तो एक बात आती थी, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए, और सिंगरौली में उतने स्किल्ड बच्चे मिलते नहीं हैं। और इसलिए मेरे भांजे और भांजियों, अब जो माइनिंग कॉलेज खुलेगा उस माइनिंग कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग दे के अपने बच्चों को तैयार करेंगे ताकि माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिले तो सिंगरौली जिले के बेटा बेटी को मिले। लेकिन आज एक बात और कह रहा हूँ, केवल माइनिंग नहीं, सिंगरौली ऊर्जा धानी भी है, सिंगरौली देश को बिजली देती है। और इसलिए सिंगरौली के नौजवानों, ये केवल माइनिंग कॉलेज नहीं होगा, सिंगरौली में हम ऊर्जा कॉलेज भी उसी में खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। और उसके कारण पावर प्लांटों में जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए
नौकरी के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए वो योग्यता इस माइनिंग के साथ साथ एनर्जी कॉलेज में वो भी प्राप्त करेंगे पढ़ के मेरे बच्चे। तो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारे बच्चे इतने ट्रेंड होंगे कि रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।